घंटों से आप लोग मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। इसी तरीके से प्यार बनाए रखना और कार्यक्रम के समापन की घोषणा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मान्य मंत्री जी निवेदन करूँ कि वो एक एक व्यक्ति को भाई जो लाइन में आएगा उनको मिलेंगे साइड से हट जाए। मैं कुछ प्रशासन के आदमी से कहूंगा वो भी थोड़ा आगे आकर थोड़ा सा कंट्रोल कर देंगे कि लाइन में ही आकर वो वितरण करेंगे लड्डू का, कुछ व्यवस्था बना लेंगे। इस साइड से नहीं लाइन से बन गया। सुरक्षा कर्मचारियों से मैं कहूंगा कि एक आगे भी आ जाए कि वो थोड़ी सी व्यवस्था को देख लेंगे, व्यवस्था थोड़ी सी बनी रहेगी। उग्रवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए धारा 370 हटाने के लिए कभी कोई चर्चा तक नहीं की। आपकी ताकत है, आपकी जीव शक्ति है, आपका आशीर्वाद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में 370 भी हटा दी, 35 ये भी हटा दिया, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। और इतना ही नहीं भाई बहनों, जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में जवानों और किसानों की, निर्दोष जवानों और किसानों की निर्मम हत्या करते थे, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरजमी पर ठोक के बता दिया कि आपका आतंकवाद अब हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सोच हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने की, 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने की है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाकर दुनिया में भारत को विकसित देश बनाने की है। हम सबको अभी संकल्प लेना होगा, हम सबको अभी देश का साथ देना होगा, हमेशा साथ देना होगा, अच्छे नेतृत्व का साथ देना होगा। आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, दुनिया की सबसे शाली शक्ति शक्तिशाली देश बनेगा। क्यों ना बने, जिस देश के प्रधानमंत्री लगातार 80 करोड़ गरीब लोगों को 3 साल से निशुल्क राशन देकर उनके जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं, 48 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाकर उनके हिस्से का लाभ उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा कर रहे हैं, 12 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रत्येक आदमी के इलाज का प्रबंध कर रहे हैं, 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाकर हर गरीब को छत देने का काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री की नीति ये हो तो उस देश को फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। आज लाल किले से हमने उन सब उनका उद्बोधन सुना, उनका संकल्प सुना। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प सुना आज सुबह 9:15 से 10:30 तक प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जाति पंथ संप्रदाय में भेद के लिए नहीं, योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट ईसाई क्रिश्चियन जो भी है, हमारी सरकार ने कोई भेद नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। 15 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश में निःशुल्क राशन पाया है, जाति धर्म देखकर नहीं बल्कि उसके परिवार की स्थिति को देखकर हमने सबको लाभ देने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश आज एयरपोर्ट के निर्माण में नंबर 1 पर है, एक्सप्रेसवे के निर्माण में नंबर 1 पर है, आयुष्मान योजना के लागू होने पर नंबर 1 है, किसान सम्मान निधि योजना में नंबर 1 पर है, और कानून व्यवस्था में
आपके मुख्यमंत्री जी ने वो अमूल चूल परिवर्तन किया है भाई बहनों, कि जिस प्रदेश को 2017 से पहले बीमारू प्रदेश या दंगाई प्रदेश के रूप में लोग जानते थे, आज उस प्रदेश को आपकी सरकार के मुखिया ने कानून के साथ साथ बुलडोजर का कमाल दिखा के अपराधियों को धराशायी करने का काम किया, कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया, अपराध को नियंत्रित करने का काम किया। आज किसानों के में खुशहाली है, नौजवानों के चेहरे पे खुशहाली है। बेरोजगारी की दर 2017 में जो 17% होती थी, हमारी सरकार ने घटा के उसको 3% पे ला दिया। भाई बहनों, ये प्रदेश समर्थवान होगा तो देश समर्थवान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 trillion बनाने का संकल्प लेकर अपना काम आप सबके आशीर्वाद से शुरू किया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जिस उत्तर प्रदेश में लोग उद्योग लगाने से डरते थे, कारोबार करने से डरते थे, उन्हें डर होता था कि पता नहीं किस समय फोन आ जाए पैसे मांगने वालों का, रकम मांगने वालों का, जिस प्रदेश का ये हाल था, वो प्रदेश आप सबके आशीर्वाद से फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करता है लखनऊ में। दुनिया के 41 देशों ने मिलाकर 25,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए 35 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए के MOU साइन करके उत्तर प्रदेश में अपना कारोबार फैलाने की इच्छा जताई है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो कभी हिंदुस्तान को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, आज वो आपके प्रदेश में कारोबार करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कंपनी लगाना चाहते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, नौजवानों की शिक्षा, स्वास्थ्य, हर दिशा में हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। मैं विनम्रता के साथ आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये तिरंगे की शान हमेशा चरम पर रहे, भारत माता का गौरव हमेशा बढ़ता रहे और भारत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद रहे। इस भाव को, अपील को स्वीकार करते हुए हम स्थायी सरकार को और मजबूत करने का विचार करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थायी सरकार का होना बहुत जरूरी है और हम देश के, प्रदेश के लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि लगातार केंद्र में भी, प्रदेश में भी आपने ऐसी सरकार बनाई है जो स्थायी है, स्थिर है, जो देश और प्रदेश के विकास के बारे में सोचती है। ये सरकार और मजबूत हो, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, ये मेरी आपसे कामना और प्रार्थना है। आपके बीच का हूँ, आपके मोहल्ले का हूँ, आपकी गली का हूँ, आपके परिवार का हूँ। निश्चित मानकर चलिए कि इस मोहल्ले का प्रत्येक भाई बहन अपने आप को नरेंद्र कश्यप मान के चले। आप सब मिनिस्टर, आप सब प्रदेश सरकार के रखवाले हैं और मैं आपके बीच में आपकी सेवा के लिए आपका सेवादार हूं। कहीं भी किसी को मेरे सहयोग, मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो, घर देखा है, दुकान देखी है, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए। हमारा मिलकर इस गाजियाबाद की समृद्धि और विकास के लिए, इस गाजियाबाद की तरक्की के लिए, वैसे भी आपको लगता होगा कि गाजियाबाद पहले से बहुत बदला हुआ है, एलिवेटेड रोड बन गया, दिल्ली जाना आसान हो गया, NH-34 बन गया, मेरठ जाना आसान हो गया, देहरादून का एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, गाजियाबाद की सड़कें, रास्ते, पूर्वांचल भवन, यानी हर दिन गाजियाबाद विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमें गाजियाबाद की चिंता भी करनी है, हमें प्रदेश की चिंता भी करनी है, हमें देश की चिंता भी करनी है, और ये सब चिंता करनी है तो तिरंगे के सम्मान की चिंता करनी है, राष्ट्र के गौरव की चिंता करनी है, स्थायी सरकार को और मजबूत करने की चिंता करनी है। इसी भाव के साथ मैं अपने नानी को, सभी भाइयों का, अपने परिवार के लोगों का, मैं जनता जनार्दन नहीं,
जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके दर्शन जिनका आशीर्वाद आज हम सबको मिल रहा है, मैं आप सबका बहुत हृदय से धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर स्वतंत्रता दिवस के इस जश्न में सम्मिलित होने का काम किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरी सेवाएं समय सदैव आपके लिए समर्पित है। हम और आप मिलकर शहर प्रदेश देश के विकास में काम करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।